हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका फिर से प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके एक नया कंसेप्ट। कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर हमारे पास आगे की डेट पूछी हो, मतलब आज से आगे की डेट अगर पूछी होती हो तो हम किस प्रकार से जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि अगर आज की दी हो और पिछले कोई साल की कोई डेट पूछी हो या दिन पूछा हो तो हम कैसे जाएंगे। तो नया कंसेप्ट लेके आएंगे मैं आपके सामने, बैक डेट का कंसेप्ट। एग्जाम में काफी बार इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आई थिंक आपको एक आज यूजफुल रहेंगी। 1 मिनट में 1 कंसेप्ट, 1 मिनट में 1 कंसेप्ट की क्लासेस चलती है ये आपकी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर जरूर शेयर कीजिएगा इन सभी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आती है तो जो पिछली जो वीडियोस है जो बन चुकी है, अभी तक 3 क्लास हो चुकी है इसकी, बाकी क्लास जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल रहेंगी। अब देखते हैं इसमें, देखो एक नई चीज जो आपको सीखने वाली चीज है। पहली चीज ये है कि डेट सेम है, डेट सेम है, पिछले बार भी डेट सेम थी, डेट सेम होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, 2020 से 2010 में जा रहे हैं, गैप जो है 1 साल ज्यादा का है। 2020 से 2010 में जा रहे हैं, गैप 1 साल ज्यादा का है, लेकिन हम चलेंगे वही सीधा ही, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलेंगे हम वही 10 से लेकर 20 तक, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। वही सेम चीज जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाई थी कि खेल जो है वो 28 फरवरी का और 29 फरवरी का है, केवल 28 फरवरी 29 फरवरी का है, ठीक है, केवल केवल इसी दो चीजों का है। अगर आपका 28 फरवरी आता है तो प्लस का 1 ऐड करेंगे, 29 फरवरी आता है तो प्लस का 2 ऐड करेंगे। 2010 में देखो, 2010 की बात करते हैं, 2010 में क्या है, एक साधारण साल है, तो आप लोग बोलोगे प्लस का 1 ऐड होगा, बोलोगे यही, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग शुरुआत अगस्त से कर रहे हैं, फरवरी निकल चुकी है, फिर फरवरी निकल चुकी है, आएगी नहीं वो, तो यहाँ पे 0 होगा, प्लस का 1 नहीं होगा। 2011 एक साधारण वर्ष है, प्लस का 1 होगा। 2012 एक लीप वर्ष है, एक आपका लीप वर्ष है, प्लस का 2 होगा। 13 एक साधारण वर्ष है, प्लस का 1 होगा। 14 भी साधारण है, प्लस का 1 होगा। 15 भी साधारण है, प्लस का 1 होगा। 16 एक लीप वर्ष है, प्लस का 2 होगा। 17 साधारण है, प्लस का 1 होगा। 18 साधारण है, प्लस का 1 होगा। 19 साधारण है, प्लस का 1 होगा। और 20 आपका लीप वर्ष है, 20 आपका लीप वर्ष है, प्लस का 2 होगा। अब प्लस का 2 क्यों किया, क्योंकि 15 अगस्त तक जा रहे हैं हम लोग, 15 अगस्त में फरवरी आ चुकी होगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जब भी तो अगस्त आया होगा, मतलब हम लोग फरवरी इंक्लूड की है, इंक्लूड करी है फेब हमने, तो यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। तो ऐड कीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये 13 आ गया, या तो आप क्या देखिए, 13 आ गया। अब देखिए 13 जो है 7 से बड़ा है, तो जब भी कोई वैल्यू 7 से बड़ी आती है तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए। 7 बन जा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 बचा। ये क्या है हमारा, ऑड डेज। अब देखो मेन खेल यहाँ पे आया, ये तो हमें सब जगह निकालना है, चाहे पीछे से आगे दे रखा हो, चाहे आगे से पीछे दे रखा हो, यहां तक तो हमें सब में आना है। अब मेन दिक्कत यहाँ पे शुरू होती है, अभी तक हम क्या करते थे, प्लस करते थे, इसमें प्लस करके यहाँ आते थे, लेकिन ये काम कब करते थे, जब हम आगे की तरफ जाएंगे। अब यहाँ आगे से पीछे जाना है तो हम माइनस का 6 करेंगे, माइनस का 6 करेंगे वेनसडे में। अब देखिए जब हम वेनसडे से माइनस 6 करेंगे तो क्या होगा, कुछ बच्चों का आंसर क्या क्या देखना, कुछ बच्चे बोलेंगे ट्यूजडे आएगा, कुछ बच्चे बोलेंगे थर्सडे आएगा, नहीं वेनसडे नहीं मंडे आएगा, आंसर है वेरिएशन आएगा, कुछ बच्चे बोलेंगे मंडे आएगा, कुछ बच्चे बोलेंगे ट्यूसडे आएगा, ठीक है, इनमें फर्क आएगा देखना, अगर आप जब निकालोगे तो यही दो आंसर आएंगे, तो मंडे आएगा ट्यूसडे आएगा। तो हम इसका भी चेक कैसे कर सकते हैं, इसका भी आसान तरीका है चेक करने का, रिवर्स करो, यहां से यहां जाओ, प्लस का 6 करो, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आया नहीं आया, ट्यूसडे करो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, आया नहीं है, मतलब दोनों ही गलत है। अब देखिए मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, 6 माइनस करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, थर्सडे आएगा, थर्सडे में 6 ऐड करो, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे, तब जाके आपका 6 आएगा, प्लस का 6, तो आंसर आपका थर्सडे होगा। तो अब इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो माइनस का 6 किया है क्या वो सही किया है, जब हम यहां से यहां प्लस करेंगे तो उसका आंसर वेनेसडे भी आना चाहिए।
आई बात समझ में। इन शॉर्ट बात ये थी, जब हम 2010 से 20 जाएंगे मतलब आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस करते हैं हमेशा, जब हम पीछे जाएंगे 20 से 10 जाएंगे तो माइनस करेंगे। सिंपल सिंपल कंसेप्ट ये है, आगे जाएंगे तो प्लस करना है, पीछे जाना तो माइनस करना है। ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। तो कोई भी अगर आपके सामने बैक डेट का सवाल आता है तो आप ऐसे ही करेंगी, आप सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे आप नॉर्मल करते हैं, उसके बाद केवल माइनस कर देंगे प्लस की जगह पे, आपका बैक डेट का आंसर आ जाएगा। और भी सवाल करेंगे हम इस प्रकार के, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सभी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये कंसेप्ट ऐसा है, टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और 1 मिनट में आप एक नया कंसेप्ट सीख जाते हो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों का इस प्रकार की वीडियोज बना के दूंगी, जिससे कि आपका कम से कम समय में पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय बाय।